नमस्कार। आज के वीडियो में हम ऑटोक्लेव में एयर रिमूवल क्यों चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और ऑटोक्लेव को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑटोक्लेव का जो लोड होता है उसमें से एयर रिमूवल करना क्यों ज़रूरी है। तो ऑटोक्लेव का बेसिक पर्पस है कि हमको जो भी चीज़ें डाली वो स्टराइल करनी है, हमको स्टराइल करनी है, उसमें जो बैक्टीरिया है उसको किल करना है, जो भी माइक्रोबियल लोड है उसको हमको रिमूव करना है। तो जो एयर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है और जो स्टीम की हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अप्रोक्सीमेटली जो स्टीम की हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो 1.4 टाइम्स हायर देन एयर है, मतलब 1.4 टाइम्स हायर देन एयर, ऑलमोस्ट मतलब 1.5 गुना है जो स्टीम की हीट कैरिंग कैपेसिटी है और एयर की हीट कैरिंग कैपेसिटी है। तो जो स्टीम की हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो इज़ ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स हायर देन द एयर। तो जो स्टीम है ना वो ज़्यादा हीट कैरी करती है। एक सिंपल हम समझ भी सकते हैं कि स्टीम जनरेट करने के लिए हमको वी हैव टू बॉयल द वाटर, वाटर बॉयल होगा उसमें से फिर वेपर जनरेट हो गए और वो वेपर जाके हीट होके फिर वो एक्ट बनती है स्टीम। जबकि एयर डायरेक्टली हीट हो जाती है, डायरेक्टली हीट हो जाती है तो कूल भी उतना ही रैपिडली हो जाती है। तो जो एक एक सिंपल हम समझेंगे तो ये है कि एयर है वो हीट जल्दी होती है और वो फिर कूल भी उतना ही जल्दी हो जाएगी, जबकि स्टीम है प्रैक्टिकली देखेंगे तो स्टीम को जनरेट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए और वही हीट वो कैरी करती है और वही हीट से वो अगर स्टरलाइजेशन अचीव करती है। तो जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी जाती है, जो हीट जाती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स कि स्टीम को अगर वाटर को हीट देते हैं तो वो हीट होके एनर्जी गेन करके कंज्यूम करके स्टीम में कन्वर्ट होती है। तो जो उसके पीछे हीट जाती है, जो एनर्जी जाती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ऑटोक्लेव में एक्चुअली होता क्या है कि स्टीम अगर जाती है तो स्टीम जाके जो ऑटोक्लेव का जो लोड है वो लोड आइटम पे जाके कंडेंस होती है और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको वो जो आर्टिकल है उस पर ट्रांसफ़र करती है। तो स्टीम जाती है ऑटोक्लेव चैम्बर में, वहाँ पे जो लोड आइटम है वो लोड आइटम पे जाके कंडेंस होती है और उसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ट्रांसफ़र होता है और उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो लोड है वो हीट होता है और वो हीटिंग की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका जो डीएनए है उसका प्रोटीन, जो प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है और उसकी वजह से वो किल हो जाता है। किल हो जाता है मीन्स कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए का प्रोटीन कोएगुलेट हो गया तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है मतलब वो डेड हो गया। तो उसका मोटा मोटा जो बोलेंगे ना साइंस ये है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो स्टीम होती है वो लोड पे जाती है, लोड में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसका जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है, वो प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है तो फिर वो वापस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उसका जो लोड है वो हमारा स्टराइल हुआ है। अगर एयर प्रेजेंस है उसके अंदर लोड में, एयर अगर नहीं रिमूव हुआ, एयर है तो ये जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है वो इफेक्टिवली नहीं होता है, एयर के पॉकेट्स बन जाते हैं लोड के अंदर, एयर के पॉकेट्स बन जाते हैं और वो एयर की इतनी कैपेसिटी नहीं है उतना हीट अचीव करने की कि वो उतना हाई हीट अचीव करे और जो माइक्रोबियल काउंट है या जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय, उसको कोएगुलेट करे, उतना वो कैपेसिटी अचीव नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से हमको एयर रिमूवल करना जरूरी है। अब एयर दो चीज़ें, एक तो एयर है, दूसरा स्टीम का खुद का क्वालिटी है। स्टीम क्वालिटी में एक आता है कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस, अगर नॉन कंडेंसेबल गैसेस है तो वो नॉन कंडेंसेबल गैसेस क्या है कि वो कंडेंस नहीं होते, वाटर है तो कंडेंस हो जाएगा, नॉन कंडेंसेबल गैसेस वो कंडेंस नहीं होते तो वो भी एज ए एयर एक्ट करते हैं। तो स्टीम क्वालिटी में एक आता है टेस्ट कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस। तो दो चीज़ें, एयर रिमूवल इम्पॉर्टेंट है, दूसरा स्टीम क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। अब एयर रिमूवल जैसे ऑटोक्लेव का चैम्बर हो गया तो एयर रिमूवल के लिए, इफेक्टिव एयर रिमूवल के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका जो ऑटोक्लेव का जो वैक्यूम पंप है, जो अपना वाटर रिंग पंप होता है, वाटर बेस्ड पंप होता है, वाटर रिंग बेस्ड पंप होता है कि जो वैक्यूम ड्रॉ करता है, तो एक तो पंप आपका इफेक्टिव होना चाहिए, एक इनफ कैपेसिटी का होना चाहिए कि जिससे पूरा चैम्बर में से वो एयर निकाल सके, एक पहला हो गया। दूसरा
आपका ऑटो क्ले का चैम्बर में कहीं पे भी लीक नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा रूटीन का डेली का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम डेली एक लीक टेस्ट लेते हैं। तो लीक टेस्ट लेने का रीज़न ये होता है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि जो पूरा चैम्बर है वो इंटैक्ट है। चैम्बर में मतलब सब आ गया कि आपका डोर का गास्केट, आपका जो प्रोसेस पाइपिंग है, सब क्लैंप है, ट्राई क्लोवर्स है, उसमें जो गास्केट है, स्टीम इन की लाइन है, एयर इन की लाइन है, वैक्यूम की लाइन है, जो पूरा का पूरा जो सेटअप है चैम्बर और प्रोसेस पाइप्स, उसमें कहीं पे भी लीक नहीं है। वो चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लीक टेस्ट लेते हैं। तो लीक टेस्ट लेने से ये पता चल जाता है कि मेरा चैम्बर में कहीं पे भी लीक नहीं है। तो जब मैं रूटीन में साइकिल लूँगा तो वो साइकिल में मुझे बाहर से एयर अंदर नहीं आएगी, ये मुझे एक एश्योरेंस मिलेगा, उसकी वजह से मैं लेता हूँ लीक टेस्ट। अब दूसरा क्या आता है, बोविडी टेस्ट आता है। तो बोविडी टेस्ट वो ऐसे डिज़ाइंड किया गया है कि अगर बोविडी टेस्ट वो उसका जो किट है वो ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर आपका प्रोसेस में कहीं पे भी एयर है, स्टीम में है या लीक होके आ रहा है, तो आपका बोविडी टेस्ट किट पास नहीं होगा, आपका टेस्ट पास नहीं होगा। तो लीक टेस्ट लेने का, उसके बाद बोविडी टेस्ट लेने का पर्पज़ यही होता है कि जो हमारा ऑटोक्लेव का चैम्बर है वो लीक प्रूफ है, जो मेरी स्टीम क्वालिटी है वो बराबर है, उसमें नॉन कंडेंसेबल गैसेस नहीं है। इससे मुझे ये श्योरिटी मिलता है कि जो मैं दिन में जो भी साइकिल चलाऊंगा उसमें मुझे कहीं पे भी एयर पॉकेट्स नहीं होंगे और जो भी मैं स्टराइल करूंगा चीज़ें वो सही मायने में स्टराइल होंगी। तो ये है कि ऑटोक्लेव में एयर रिमूवल इसलिए चाहिए क्योंकि एयर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो स्टीम जितनी नहीं होती है, एयर पॉकेट्स रह जाएंगे तो उतना पार्ट आपका स्टराइल नहीं होगा, इफेक्टिवली स्टराइल नहीं होगा। तो इसके लिए एयर रिमूवल ज़रूरी है। अब एयर रिमूवल करते कैसे, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपका चैम्बर इंटैक्ट होना चाहिए, आपका गास्केट फ्रीक्वेंटली चेक होना चाहिए, सभी गास्केट एक फ्रीक्वेंसी पे चेक होने चाहिए या फिर चेंज होने चाहिए कि जिससे वजह से वो जो मेरा पूरा सेटअप है ऑटोक्लेव का वो सही से काम करता है। दूसरा, डेली हमको लीक टेस्ट करना है कि जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि चैम्बर में कहीं पर लीक है कि नहीं है। फिर एज ए साइकिल, ऑटोक्लेव साइकिल में एयर रिमूवल कैसे आता है, तो आप हमारी जो साइकिल होती है उसमें इनिशियली हमारा वैक्यूम पल्स होता है और हीटिंग पल्स होता है, स्टीम वैक्यूम पल्स फॉलोड बाय स्टीम पल्स, ये पूरा हमारा एक सेटअप होता है। अर्लियर टाइम्स में क्या था, जब ऑटोक्लेव नया नया इन्वेंट हुए तो क्या होता था कि जैसे हॉस्पिटल्स में ऐसा ऑटोक्लेव होते तो क्या होता था कि एकदम डीप वैक्यूम करते थे, एक ही वैक्यूम करते थे बहुत डीप, बट उसकी वजह से उतना एयर रिमूवल नहीं होता था, एक ही डीप वैक्यूम करने से भी उतना एयर रिमूवल नहीं होता था। फिर इंडस्ट्री में क्या हुआ कि पल्सिंग साइकिल डेवलप किया। पल्सिंग साइकिल में क्या होता है कि आप एक बार वैक्यूम लेते हो, फिर स्टीम डालते हो, फिर उसको वापस से वैक्यूम करते हो, वो स्टीम को निकाल लेते हो, दूसरा फिर वापस से स्टीम डालते हो, फिर वापस से उसको वैक्यूम लेते हो, फिर तीसरी बार स्टीम डालते हो। तो कितनी बार वैक्यूम करना है, कितनी बार स्टीम डालना है, वो ऑटोक्लेव के साइज, लोड पैटर्न क्या है उसके हिसाब से वो प्लस माइनस हो सकता है। बट ये पल्सिंग साइकिल डेवलप किया, ये पल्सिंग साइकिल से फ़ायदा क्या हुआ कि आपका जो एयर रिमूवल है वो सिर्फ एक वैक्यूम पल्स था उसकी बजाय, एक डीप वैक्यूम के बदले अगर पल्सिंग दिया तो एयर रिमूवल ज़्यादा इफेक्टिव मिलने लगा। और जो लोड है, डिफ़िकल्ट टू स्टरलाइज लोड है, या डिफ़िकल्ट जैसे एकदम बड़ा, जैसे रबर स्टॉपर का बैग हो गया, गारमेंट का बैग हो गया, बहुत लेंथी सिलिकॉन ट्यूबिंग का एक आपका ये हो गया, बंच हो गया, तो उसमें से एयर रिमूव करने के लिए ये जो पल्सिंग साइकिल होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए ये पल्सिंग साइकिल डेवलप हुआ। तो एयर रिमूवल कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि विथ वैक्यूम एंड स्टीम, ये पल्सिंग साइकिल की वजह से हम लोड में से एयर मैक्सिमम एक्सटेंड तक रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव हुआ है कि नहीं उसका मेजर क्या है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ऑटोक्लेव वैलिडेशन करते हैं तो जो हमारा लोड है उसमें एक इवेल्युएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि लोड आइटम्स में कौन से आइटम ऐसे हैं कि जो जिसमें एयर रिमूवल इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका 13 mm रबर स्टॉपर का बहुत बड़ा बैग है 2000 या 5000 या 10000 का, या आपका गारमेंट का पूरा बंच है, या सिलिकॉन ट्यूब्स है, या आपका बहुत बड़ा फिल्टर है, तो ये जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें से एयर रिमूवल बहुत टफ होता है, तो हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों के अंदर हम थर्मोकपल रखते हैं, थर्मोकपल के साथ बायोलॉजिकल इंडिकेटर रखते हैं। तो ये जो डिफ़िकल्ट टू स्टाइल है, डिफ़िकल्ट टू पेनेट्रेट जो लोड आइटम्स है उसके अंदर हम थर्मोकपल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर डाल के ये
साइकिल चला के चेक करते हैं कि उसमें टेम्परेचर, फर्स्ट दो चीज़ें चेक करते हैं कि टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा बायोलॉजिकल इंडिकेटर कील हो रहा है कि नहीं, और ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये हो गया कि डिफ़िकल्ट टू पेनेट्रेट आइटम, एयर रिमूवल हो गया। अब बात करते हैं कि लोड पैटर्न्स के बारे में। सबने सुना होगा कि तीन तरह के लोड पैटर्न हैं, पोरस, नॉन पोरस और मिक्स। तो समझते हैं कि ये क्या है। अगर मैं बात करूँ पोरस लोड, पोरस मतलब जिसमें एयर रह सकती है, जिसमें एयर रिटेन हो सकती है, वो पोरस है। जिसमें मतलब एयर हो, जैसे स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज है या कपड़ा है तो क्या है, पोरस है, उसमें एयर रिटेन हो जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि रबर स्टॉपर का बैग है, गारमेंट का बैग है, तो ये क्या है, पोरस लोड है। फिल्टर्स है तो ये क्या है, पोरस लोड है, कि उसके अंदर एयर आसानी से एंट्रैप हो जाती है। नॉन पोरस लोड क्या है, कि जो सॉलिड है, फॉर एग्जांपल नीडल्स है, आपका वेसल है, आपका फिलिंग सिरिंजिस है, फोर्सेप्स है, आपके टूल्स है, वो क्या है कि पूरा मेटल है, उसमें कहीं पे भी एयर एंट्रैप होने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जो ये जो ऐसी जैसी ऐसे सॉलिड चीज़ें हैं कि जिसमें एयर अंदर फंस नहीं सकती है, जिसमें एंट्रैप नहीं हो सकती, वो आपका नॉन पोरस लोड है। मिक्स लोड क्या है, कि जब हम एक लोड में कुछ चीज़ें पोरस है और कुछ चीज़ें नॉन पोरस है। फॉर एग्जाम्पल फिलिंग असेंबली का लोड है, उसमें आपका सीरेंज भी है, उसमें ट्यूबिंग भी है, उसमें शायद आपने वाइप्स भी रखा हुआ है, सैनिटाइजेशन करने के लिए वाइप्स भी रखा हुआ है, उसमें शायद स्टॉपर भी डाला हुआ है, उसमें ट्यूब भी है, उसमें गास्केट है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो पोरस और नॉन पोरस दोनों कैटेगरी में फॉल होती है, और उसको एक ही लोड में डालते हैं तो वो बन जाता है हमारा मिक्स लोड। तो वापस से बोलता हूँ, पोरस लोड ऐसा है कि जैसे पूरा रबर स्टॉपर बैग का लोड हो गया तो क्या, पोरस लोड है। पूरा आपका गारमेंट स्टाइलाइजेशन का लोड हो गया तो पोरस लोड है। नॉन पोरस लोड क्या है, कि फॉर एग्जांपल सिर्फ जिसमें मिक्सिंग वेसल्स है, कंटेनर्स है, बॉटल्स है, कि जो जिसमें कहीं पे एयर एंट्रेपमेंट नहीं होते, पूरा सॉलिड है, तो नॉन पोरस है। बट जिसमें दोनों चीज़ें मिक्स है, कि कुछ पोरस आइटम है, कुछ नॉन पोरस आइटम है, तो हो जाता है मिक्स लोड। जो साइकिल है, स्टेरिलाइजेशन साइकिल, वो पोरस लोड, नॉन पोरस लोड और मिक्स लोड के लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल रबर स्टॉपर का साइकिल है, रबर स्टॉपर का लोड है पूरा, या आपका गारमेंट का पूरा लोड है, तो उसमें से एयर रिमूवल करने के लिए आपको हो सकता है कि इनिशियल जो पल्सिस है, वैक्यूम पल्सिस और स्टीम पल्सिस, वो ज़्यादा रखना पड़े। सेम वे अगर उसको फिर हमको ड्राई भी करना होता है, स्टेरिलाइजेशन साइकिल ख़त्म होने के बाद वो पूरा हमको ड्राई भी करना होता है, तो ड्राई करने के लिए मुझे जो पीछे ड्राइंग के पल्स है वो भी ज़्यादा रखने पड़ सकते हैं। अगर मेरा नॉन पोरस लोड है तो इनिशियल स्टीम पल्सिस हम कम रख सकते हैं, और उसको ड्राई भी जल्दी हो जाता है, ड्राइंग के पल्सिस भी उसको कम कर सकते हैं। और मिक्स लोड के अंदर उसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कितना अपने को टाइम जाएगा, उसके हिसाब से सेम वे इवेल्यूएशन करके उसका इनिशियल स्टीम पल्सिस और स्टेरिलाइजेशन के बाद का ड्राइंग पल्सिस प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये जो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है वो आपको ये समझने के लिए हेल्प करेगा कि एयर रिमूवल क्यों ज़रूरी है, लोड कितने टाइप के होते हैं, और उसको हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने सभी फार्मा फ्रेंड्स को शेयर करिए, और मेरा चैनल फार्मा मैंने उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर सकते हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।